हेलो एवरीवन वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा हम डिस्कस करने वाले हैं की ट्वेंटी के एंड में बिटकॉइन का प्राइस क्या होने वाला है ऑलरेडी मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे काफी सारे प्रोडिक्शन हैं इवन मैंने हंड्रेड थाउजेंड तक के प्रोडक्शन भी देखे हैं ट्वेंटी के एंड में एंड आई एम गोइंग टू टेल यू की क्या ये प्रोडक्शन सही है या नहीं है एंड आई विल बी गिविंग यू प्रॉपर लॉजिक जिक किस तरीके से इसको फॉर्म करेंगे साथ ही साथ हम बिटकॉइन का चार्ट भी देखेंगे एंड शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स क्या होने वाले हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चलते हैं चार्ट की साइड तो करंट बिटकॉइन का चार्ट कुछ इस तरीके से है एंड अगर आपको कल की वीडियो याद होगी तो हमने आपको एक रेंज दी थी कि बिटकॉइन माइट मूव इन दिस रेंज एंड हमने आपको प्रीवियस मूवमेंट से कंपेयर करके दिखाया था तो आप वहां पे जाके अच्छा रेफरेंस ले सकते हैं लेकिन करंटली बिटकॉइन का प्राइस आप देख रहे हो कि इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुआ है यहीं से हम रिजेक्शन लेके आए हैं एंड दिस इज द रेजिस्टेंस जोन जहां से बिटकॉइन बार बार रिजेक्ट हो रहा है यहां पे भी आप देख रहे हो कि इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है एंड ये रेजिस्टेंस जोन एंड ये ट्रेंड लाइन हमने कल की वीडियो में आपको बता दिया था जब प्राइस यहां तक नहीं पहुंचा था अब प्राइस यहाँ पे पहुंच गया एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल के एंड के बहुत करीब है जो कि वीकेंड के साथ को कर रहा है ठीक है तो वीकेंड कल से है एंड उसके बाद यूएस मार्केट्स नहीं खुलेगा तो उस टाइम पे हम देख रहे हैं कि जनरली तो वॉल्यूम कम रहता है लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में काफी ज्यादा तो का तो जून है तो, 17 जून के का मार्केट देखे, तो काफी वीकेंड में डंप आया था टाइम यहाँ पे डंप ही रहा उसके बाद मार्केट वापस रीगेन हो गया था जैसे ही यूएस मार्केट ओपन रहे ठीक है तो हमें बार बार देखने को मिल रहा है कि वीकेंड्स पे या तो बहुत अपसाइड पे वॉलेटाइल मूव आ रहा है या तो बहुत डाउन साइड पे वॉलिटाइल मूव आ रहा है तो उसके लिए आप थोड़ा सा रहे हो सकता है कि हम ऊपर की साइड भी इसको जाता देख सकते हैं, नीचे की भी देख सकते हैं। हो जाएगा तो उस पर साइड ब्रेक होता है करेंटली बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है तो ये वाली रेंज एक बार होल्ड हो जाए तो हमारे पास अच्छा खासा मौका है ट्रेड करें आई विल बी सेलिंग ऑफ माई बिटकॉइन क्योंकि मैंने यहां पर आपको बताया था कि हम एक के लिए वहां पे बाय कर रहे हैं एंड ये हमने आपको तीन दिन पहले की वीडियो पे बताया था कि हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ हम बी को शॉर्ट कर रहे हैं ठीक है हमने ये दोनों चीजें करी थी क्योंकि उसको हेज ट्रेडिंग कहते हैं एंड काफ़ी लोगों को नहीं पता हेज ट्रेडिंग क्या होती है तो बेसिकली आप बाय और सेल दोनों ऑर्डर करते हो सिमिलर टाइप ऑफ एसेट्स में ताकि अगर आपको एक ट्रेड में लॉस होता है तो दूसरे के प्रॉफिट से आप उसको बैलेंस कर सकें तो बेसिकली मैंने बिटकॉइन पर ज़्यादा मार्जिन ऐड किया था एंड बी के शॉर्ट पर थोड़ा कम मार्जिन ऐड किया था एंड करेंटली मेरा जो बी का शॉर्ट है दैट इज़ अराउंड एट के लॉस पे है एंड जो मेरा बिटकॉइन का यहाँ पे अपसाइड है वो रफली इस टाइम पे 5.6 परसेंट है तो मेरा जो नेट लॉस है वो 2 परसेंट का है ठीक है तो इस तरीके से हम हेज कर रहे हैं एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू गो डाउन बेयरिश में ज्यादा था बट यहाँ पे अगर वो मेरा प्रोडक्शन गलत हुआ है तो आई एम एट 2 परसेंट लॉस बट मेरा बीएनबी का शॉर्ट अभी भी ओपन है एंड मेरी जो फाइनल एंट्री है वो टू हंड्रेड के आसपास है तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट ये तो हमारा बेटकॉइन था अब बात करते हैं एस एन की तो एस एन ने कल क्या करा कराया काफ़ी ऊपर नीचे मूव करे हैं इसने लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस के पास है एंड ये रजिस्टेंस हमारे पास ट्वेंटी हमें से को कर रही है फोर आवर्स में तो यहां पे काफी अच्छा चांस है कि ये रिजेक्ट होकर नीचे की साइड जाएगा अगर ये ऊपर जाता है ठीक है इफ़ इट गोज अप देन यहाँ पे आप शॉर्ट को क्लोज करना या फिर उसमें मार्जिन कम करना कंसिडर कर सकते हो क्योंकि एस एन पी फाइव हंड्रेड अगर इसके ऊपर बेस बना लेता है वी कैन सी इट गोइंग अप ऑन मंडेज इज ऑल्सो तो इसको हम अच्छे से मॉनिटर करेंगे अभी कुछ खास चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं मेरा जो बी एन बी का शॉर्ट है उसका आपको रिस्क हमने ऑलरेडी बता दिया था आपका रिस्क अगर माइंड में रहता है तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है एक बार आप ट्रेड फॉर्म कर लो तो आपको उसके साथ गो थ्रू होना पड़ता है दैट्स हाउ यू डेवलप अ पर्टिकुलर मेटालिटी आपको ट्रेडिंग मेंटालिटी ऐसी डेवलप होती है अब बात करते हैं क्या बिटकॉइन हंड्रेड थाउजेंड डॉलर तक जा रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी टू के एंड में एंड मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी इस चीज़ को लेकर एंड लास्ट टाइम जब हम नवंबर अक्टूबर के बुलरन में भी थे तब भी मैं देखता था कि कुछ यूट्यूबर्स हंड्रेड के कुछ वन फिफ्टी के कुछ तो इवन थ्री हंड्रेड के डॉलर्स तक बिटकॉइन को पहुँचा रहे थे एंड अब वो वीडियोज उन सब ने डिलीट कर दी है एंड देर इज अ प्रॉब्लम विद दीज काइंड ऑफ वीडियोज जो भी मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि यार ईयर एंड में एक्स वाई जेड कॉइन का प्राइस क्या होगा बता दीजिए तो ये बहुत ही इंपॉसिबल सा प्रोडिक्शन है बता पाना क्योंकि क्रिप्टोज आर वेरी वॉलोटाइल ये क्रिप्टो बहुत ज्यादा वॉलिटाइल रहते हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोडिक्शन किसी भी चीज़ का करते हो इस स्पेस में तो वो मोस्टली गलत ही रहता है कोई भी वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता है एंड दैट्स बाय मैं भी ऐसी वीडियोज अब नहीं बनाता हूँ क्योंकि तो ये बस आपको फॉल्स होप देती है एंड अगर आपका एसेट कोई इशू लेके चलता है तो आप उसको होल्ड ही करके रखते हो एंड वहां पर आपको काफ़ी दिक्कतें होती हैं बट बात करते हैं कि यार बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है राइट तो कुछ चीज़ें हैं जो काफी लोगों को नहीं पता होगी और आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस चीज़ से बिटकॉइन का प्राइस जो है ओवरऑल जूम आउट लेवल पे इफेक्ट होता है तो सबसे पहले यहाँ पे है बिटकॉइन का प्राइस वर्सेस बिटकॉइन का माइनिंग प्राइस मतलब जो माइनर्स हैं उनको एक बिटकॉइन माइन करने के लिए कितना कॉस्ट आता है वर्सेस बिटकॉइन का करंट प्राइस तो जो ये ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है दिस इज द बिटकॉइन प्राइस एंड ये जो ब्लू लाइन है ये बिटकॉइन को माइन करने में कितना खर्चा आता है उसका प्राइस है तो अगर हम इसको फाइव ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन का जो सेलिंग प्राइस है ये जब भी माइनिंग प्राइस से बहुत ज्यादा दूर होता है ठीक है देन वी आर इन अड्ड बुल रन हम अच्छे एक बुल रन में होते हैं मांड फॉर बिटकॉइन इज वेरी हाई एंड जैसे जैसे क्लोज आने लगता है तो उसके बाद हमारे पास एक बेयर मार्केट सिचुएशन क्रिएट होने लगती है तो जैसे कि ये हमारे 2018 का चार्ट है ऑरेंज लाइन आप देख रहे हो कितनी दूर है उसके बाद काफी टाइम तक ये ऑलमोस्ट सेम जगह पे रही थी एंड जैसे ये नीचे जाती है ना जैसे आप देख रहे हो कि ये नीचे जाती है तो उसके बाद हम कंसॉलिडेशन फेज में आ जाते हैं जैसे ही ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन के नीचे जाती है तो कंसॉलिडेशन फेज हमारी स्टार्ट हो जाती है कि माइनिंग का कॉस्ट बाइंग के कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है तो आप क्यों माइन करोगे आप डायरेक्टली वो पैसे इन्वेस्ट करके बिटकॉइन बाय ना कर लो राइट जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करते हो तो बिटकॉइन माइनिंग शट डाउन होने लगते हैं वो अपना ऑपरेशन रोक देते हैं कि यार इतना पैसा कौन बिजली में खर्च करेगा उससे अच्छा हम डायरेक्ट ये पैसे कर लेते हैं ठीक तो है तो ये चीज यहां पे डिक्रीज हो जाता है एंड बिटकॉइन की माइनिंग डिफिकल्टी पे थोड़ी बहुत डिक्रीज हो जाती है तो छोटे मोटे माइनर्स भी यहां पे माइन कर पाते हैं बिटकॉइन को एंड जैसे ही छोटे मोटे माइनर्स माइन mine करना स्टार्ट करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम क्रिएट करके आगे की साइड इंक्रीज हो जाता है तो दैट्स वाई वी सी कि जब भी इसके नीचे ज्यादा रहता है तो उस टाइम पे बाय करने का बहुत अच्छा टाइम रहता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने लगता है तो करेंटली अगर हम देखेंगे तो ऑरेंज लाइन अभी ब्लू लाइन के नीचे आ गई है ठीक है सो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय बाई समी सी बी टी सी के पैकेट्स में बाय कर सकते हो एग्जैक्ट बॉटम आप नहीं निकाल पाओगे लेकिन स्मॉल स्मॉल एस आई पीज अगर आप यहाँ पे डालो तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल ठीक है अब इसके बाद एक और चीज इफेक्ट करती है जिसको आपने सुना ही होगा उसको बोलते हैं हाविंग ऑफ बिटकॉइन तो हाविंग का क्या इफेक्ट होता है ये हम स्टार्ट से समझ सकते हैं तो हाविंग जब भी होती है बिटकॉइन की तो जितना बिटकॉइन आपको मिल रहा होता है वो कम हो जाता है तो फॉर एग्जांपल अगर आप 100 से स्टार्ट हुए हो उसके बाद नेक्स्ट हाविंग में आपको केवल 50 मिलेगा उतनी मेहनत करके फिर उतनी मेहनत करके आपको नेक्स्ट हाविंग के बाद 25 मिलेगा तो इससे क्या होता है बिटकॉइन का सप्लाई शॉक आ जाता है एक सप्लाई बिटकॉइन की कम होने लगती है आप माइन करना डिफिकल्ट होता रहता है तो उसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन का डिमांड इंक्रीज होगा क्योंकि बिटकॉइन का सप्लाई कम हो जाएगा ठीक है ये एस टू एफ मॉडल से आया है एंड बिटकॉइन वॉज डिजाइंड लाइक दिस बिटकॉइन को ऐसे ही डिज़ाइन किया गया था कि इसको माइन करना डिफिकल्ट होता रहे दैट इज़ वाई द प्राइस ऑफ बिटकॉइन कीप्स इंक्रीजिंग एंड आप अगर साइकिल देखोगे ठीक है हमारे पास दो ही साइकिल्स हैं इसको कंपेयर करने के लिए तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गारंटीड कि इसी को फॉलो करेगा लेकिन आप देख रहे हो कि जब भी हाविंग होती है उसके बाद एक पैराबोलिक मूव आता है फिर हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं मार्केट गिरना स्टार्ट करता है देन वी एंटर अ कंसॉलिटेशन फ़ेज देन कंसॉलिटेशन फेज खत्म होता है अगेन एक हाविंग होती है पैराबोलिक मूव देन वी गेट इन टू डाउन टर्न उसके बाद हम कंसॉलीडेट करते हैं फिर हाँ होती है फिर हम पैराबॉिंग मूव पे आते हैं तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन का है अगर आपने इसको याद होगा तो इसके बाद भी यही हुआ था कि हम ऊपर तक गए थे वी वेंट टू अराउंड सेवेंटी नाइन थाउजेंड डॉलर्स उसके बाद हम नीचे गिरे फिर उसके बाद अभी हम, हम शायद इस फेज़ में होंगे उसके बाद हम येलो वाले फेज में आएंगे जहाँ पे कंसोलिडेशन होगा एंड दैट इज द टाइम दैट यू कैन बाय बॉटम प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल है दिस वॉज द आइडियल प्राइस टू बाय लेकिन बॉटम प्रोडक्ट करना बड़ा मुश्किल है जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक बॉटम बना था एंड कंसोलिडेशन फेज़ में भी एक बॉटम बना था तो बेटर रहता है कि आप थोड़े थोड़े एस आई पी करके बाय करते रहो एंड वेट फॉर अ पैराबोलिक मूव टू सेल एंड यू नो वेट फॉर अनदर डाउन टर्न ठीक है तो ये आपके पास हाविंग का पूरा का पूरा सिचुएशन है नेक्स्ट हाविंग कब होने वाली है तो नेक्स्ट हाविंग का आप यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन क्लॉक पे कि 647 डेज के बाद होगी 2024 अप्रैल में तो यहाँ पे काफ़ी टाइम है एंड टॉप से लेके जैसे कि 2018 में टॉप आया था नेक्स्ट बोल रन के स्टार्टिंग में दो साल का गैप होता है एंड अभी हम करेंटली कहाँ पे हैं हमने टॉप देख लिया है अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो ऑलमोस्ट हमें वेट करना है रफली एक डेढ़ या दो साल के आसपास का वेट है एंड उसके बाद बिटकॉइन का पैराबॉलिक मूव यहां पे स्टार्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हिस्टोरिकली हो चुका है सो द चांसेस ऑफ बिटकॉइन गोइंग टू हंड्रेड के डॉलर इज वेरी लो अगर हम एल्गोरिथमिक साइड से देखें जिस तरीके से बिटकॉइन को कोड किया गया है तो इन उन प्रोडिक्शंस पर बिलीव करके कोई फायदा नहीं है इससे अच्छा है कि आप एक प्लान फॉलो करो एस आई पी करो बिटकॉइन और इथियम बाई करो ऑल्ट क्वाइंस भी बाई कर सकते हो लेकिन ऑल्ट क्वाइंस में गारंटी नहीं है कि वो वापस ऑल टाइम हाई पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप किसी ऑल्ट कॉइन को ऑल टाइम हाई से कंपेयर करो कि यस से ये दस गुना ही जाएगा तभी मैं इसको बाय कर रहा हूं जरूरी नहीं है हमेशा ऑल्ट ऑल टाइम हाई पे नहीं जाते हैं दैट द वीडियो कैसी लगी आपको ये क्या आपको पहले से पता था ये? कि आपको इतना डिटेल कंपेरिजन पहले से मिला हुआ था या आपने पहली बार देखा है अगर आपको पहली बार ये सब पता चला है मैं कमेंट करके जरूर बताइए ऑल्सो लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल कंटेंट दैट इज इट